हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू क्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन पुट अप कर रही हूं दैट इज कि क्या मैं शाहरुख खान या सलमान खान यानी कि हमारे इंडिया के हमारे भारत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं क्या मैं उनके ऊपर कोई जोक मार सकती हूँ यानी कि उनका नाम लेके क्या मैं उनके ऊपर किसी तरीके का मजाक कर सकती हूँ और क्या इस चीज़ के लिए मुझे पनिश किया जा सकता है यानी कि मुझे जेल में डाला जा, जा सकता है तो ये सारी चीजें ये क्वेश्चन का जो आंसर है जो जवाब है, ये आज के इंस्टाग्राम पर नहीं किया है, तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए ताकि इन केस आपके कुछ भी डाउट्स हैं कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप सीधा मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं ठीक है ऑल्सो रिमेम्बो uh, की स्टडी आई क्यू जुडिशरी के के प्राइजेस अभी भी स्लैश डाउन किए हुए हैं तो अगर आप सोलह स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हो

हम सेशन के बाद समझने की कोशिश करेंगे ठीक है नाउ बेसिकली डेली हाईकोर्ट का रिसेंटली एक डिसीजन पास किया गया था जहां पर डेली हाईकोर्ट ने ये बोला कि अगर हम किसी भी सेलिब्रिटी का नाम सेलिब्रिटी यानी कि जो आपके एक्टर्स वगैरह हो गए जो क्रिकेटर्स वगैरह हो गए ठीक है इन सेलिब्रिटीज का अगर नाम या इनकी इमेजेस यानी कि इनकी पिक्चर्स को अगर हम आर्ट के लिए यूज करते हैं सेटायर यानी कि जैसे आपका स्टैंड अप कॉमेडी होता है जहां पर ह्यूमर के पर्पसेस के लिए यानी जोक्स वगैरह आपके पास ऑन किए जाते हैं किसी न्यूज खबरों में इन लोगों की

और ये करना सेलिब्रिटी के राइट ऑफ पब्लिसिटी को यहां पे वायलेट नहीं करेगा नाउ व्हाट इज राइट ऑफ पब्लिसिटी ये होता क्या है तो पहले इसे समझने की कोशिश यहां पे हम करते हैं तो देखो राइट ऑफ पब्लिसिटी एक टाइप है आपके पर्सनालिटी राइट्स का नाउ व्हाट आर पर्सनालिटी राइट्स तो देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के जैसे अमिताभ बच्चन हो गए सलमान खान हो गए शाहरुख खान हो गए ठीक है इन्हें ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो पर्सनैलिटी है इनका जो नाम है या इनकी जो फेमस चीजें हैं जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज गई ठीक है ऐसी कोई ना कोई फेमस चीज होती है किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड तो इन चीजों का किसी भी तरीके से गलत ना ना किया इसको ना किया जाए जाए उसको ये चीजें इन सेलिब्रिटीज को यहां पे ध्यान रखनी पड़ती हैं तो ये इनके पर्सनैलिटी राइट का यहां है जैसे सेलिब्रिटीज के नाम हो गए उनकी इमेजेस हो गई उनकी आवाज वगैरह हो गई ऑब्वियसली इनको गलत तरीके से मिसयूज किया जा सकता है कहीं पे भी कोई भी पर्सन लेट से अमिताभ बच्चन की फोटो लगा के किसी प्रोडक्ट पे लगा के उसको बेचना चालू कर दे जिससे लोग या जनता तो क्या ही समझेंगे कि भाई हाँ भाई अमिताभ बच्चन जो है इस प्रोडक्ट को पे सपोर्ट करते हैं तो सेलिब्रिटीज को यह बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी इमेजेस को उनके नाम को या उनकी आवाजों को कहीं पर भी किसी भी गलत तरीके से उसका मिस नहीं किया जा रहा है तो इसलिए सेलिब्रिटीज वगैरह क्या करते हैं अपने पर्सनैलिटी राइट यहाँ पे बनवा लेते हैं जैसे रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने अपनी आवाज को जो है वो रजिस्टर करवा के रखा है कि उनकी आवाज को कहीं पे भी गलत तरीके से यहां पे यूज नहीं किया जाएगा अब पर्सनालिटी राइट्स का ही एक पार्ट होता है टाइप होता है दैट इज राइट ऑफ पब्लिसिटी राइट ऑफ पब्लिसिटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी का नाम हो गया ठीक है या फिर उनकी इमेज वगैरह हो गई किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकते उनके परमिशन के बिना यानी कि लेट से कि अगर मैं कोई खाने पीने की चीज बेचना चाह रही हूँ कोई आइटम बेचना चाह रही हूँ तो बिना शाहरुख खान या सलमान खान की परमिशन के मैं उनकी फोटो या उनका नाम वहां पे नहीं लगा सकती जब तक या तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो या फिर मैंने उनसे यहाँ पे पूछा ना हो तो दैट इज वॉट राइट ऑफ पब्लिसिटी इज लेकिन यहाँ पे डेली हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि भाई सेलिब्रिटीज को यानी कि इन बड़े बड़े लोगों को पब्लिसिटी राइट्स तो दिए गए हैं इनको पर्सनालिटी राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन ये राइट right भारत में एब्सोल्यूट नहीं है यानी

पिक्चर्स को उनके इमेजेस को जो है आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज नहीं कर सकते अमिताभ बच्चन को सपोर्ट करते हैं या उस प्रोडक्ट को यहाँ पे इंडोर्समेंट कर रहे हैं यानी सेलिब्रिटी का नाम बिगड़ सकता है उनकी गुडविल यहाँ पे बिगड़ सकती है साथ ही साथ लोगों को यहाँ पे गलत कम्युनिकेशन आपका जा रहा है प्लस उस पर्सन की नाम या उनकी इमेज को यूज करके आप उनके नाम को भी यहां कहीं ना कहीं उनकी गुडविल या रेप्यूटेशन को भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा नुकसान थोड़ा हार्म यहां पे पहुंचा रहे हो तो इस तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन करना जो है वो यहाँ पे आपका अलाउड नहीं है यानी किसी भी चीज़ को कमर्शियली बेचने या खरीदने के लिए किसी सेलिब्रिटी का नाम या इमेज आपका यूज नहीं किया जा सकता बिना उनसे पूछे लेकिन इमेज के 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 यूज करते हो तो दैट इज कंप्लीटली अलाउड दैट इज ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है पर्सनैलिटी राइट क्या होते हैं किस हद तक हम सेलिब्रिटीज के नाम और इमेजेस का जो है uh, इस्तेमाल कर सकते

नाव वी हैव मल्टीपल एग्जाम्स दैट आर देर ठीक है अब तो हमारे पास चलो उत्तराखंड तो अब लेट हो चुका है उत्तराखंड का अब एग्जाम ही है तीस तारीख को बट वी हैव बिहार जुडिशरी हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन आ चुकी है उस पर मैंने आज ही एक सेशन भी लिया है कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो एंड साथ ही साथ अभी हमारे पास बिहार आने वाला है राजस्थान आने वाला है दिल्ली आने वाला है एम पी आने वाला है तो अगर इनमें से किसी एक ही स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो वेबसाइट के ऊपर आपको इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्सेज भी मिल जाएंगे लाइक छत्तीसगढ़ का है हिमाचल का है दिल्ली का है एमपी का है अब लेट्स से अगर आप राजस्थान जुडिशरी का आपको क्या करना है, बस पे जाना है। जैसे ही आप पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड, कोड लगाने का ऑप्शन दिखेगा यहां पे जाके आपको डिस्काउंट कोड जो लगाना है ऑलरेडी हाँ दो डिस्काउंट कोर्ड दिखेंगे बट अगर सबसे कम प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर कोर्स लेना है सबसे लोएस्ट प्राइस में लेना है तो एआरजे कोड लगा के लेना है एंड जैसे ही लगाओगे कोड तो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे में किसी भी स्टेट का इंडिविजुअल कोर्स यहां पे आपको मिल जाएगा दो साल का लेना चाहते हो तो सेम कोड अप्लाई करके आप दो साल का कोर्स भी यहां पे ले सकते हो विच इज फॉर ट्वेल्व थाउजेंड फोर बट हां अगर आपका जो टारगेट है वो सिर्फ एक स्टेट नहीं है इफ यू आर टारगेटिंग फॉर से टू या या थ्री फोर कि भाई बिहार भी मुझे लिखना है हिमाचल भी लिखना है दिल्ली भी लिखना है एमपी की भी तैयारी करनी है तो यह आपको अच्छे से पता है कि भाई वन स्टेट इज नॉट लाइक दी अदर स्टेट यानी हिमाचल हो एमपी हो डेली हो राजस्थान हो इनका ना तो सिले बस सेम है ना ही इनका पैटर्न सेम है ना ही इन एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती हैं वो यहां पे सेम है तो अगर इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो क्या करें तो देन यू कैन गो फॉर स्टडी जुडिशरी महापैक तो महापैक का देखो फायदा यह है कि महापैक में एमपी हो राजस्थान हो दिल्ली हो सिक्सटीन स्टेट है उनका पूरा पूरा सिलेबस हर स्टेट का पूरा सिलेबस यहां एक ही कोर्स में आपको बना के दे दिया गया है तो इनकेस आप बिहार की तैयारी करना चाहो हिमाचल की करना चाहो राजस्थान दिल्ली एमपी हरियाणा झारखंड इन स्टेट्स की करना चाहो तो सबकी तैयारी आप एक ही कोर्स से कर सकते हो तो 16 स्टेट्स के मेजर लॉज हो गए माइनर लॉज हो गए लोकल लॉज हो गए 16 स्टेट्स की प्रलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट लैंडमार्क केसेस हो गए यानी लीगल करंट अफेयर्स हो गया जीके जो आपका पूछा जाता है करंट अफेयर्स प्लस स्टार्टेक हो गया यूपी में बिहार में उत्तराखंड में वो सारी चीजें हो गई प्लस वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन तो इतनी सारी चीजें एक ही कोर्स में आपको मिल रही हैं। अगेन पे भी ऑप्शन पे आप जब जाओगे तो यहां पे बायनो ऑप्शन पे जाके आपको दिखेगा कि भाई कोर्स तो बहुत ही महंगा है यानी कि चौतीस हजार का है सैतीस हजार का है बट इतना महंगा है नहीं तो यहां पे भी जाके अगेन यू हैव टू पुट द सेम डिस्काउंट कोड दैट इज जे यानी अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट प्राइस में लेना है तो ग्यारह हजार नौ सौ निन्यानवे में आपको पूरा महापैक यहां पे मिल जाएगा एंड दो साल का महापैक अगर आप लेना चाहते हो सेम कोड यूज करके दो साल का महापैक भी आप ले सकते हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा अगर ऐसा है सो डू लाइक द सेशन डू शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो एल सी यू गाइज सून विद अनदर विदर से Take care, all the best for your preparation. Bye bye.